بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد पिछले दर्स के अंदर हम लोग रबिया बिन मकरूम शायर नामी शायर का कलाम पूरा मुकम्मल कर चुके थे और आज हम एक दूसरे शायर का कलाम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सलमा इब्ने रबिया। और ये इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा इसके सवाने के बारे में या इसकी ज़िंदगी के बारे में बहुत ज़्यादा बातें मिलती नहीं हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये ज़माने जाहिलियत का या असर जाहिली जो दौर है उस दौर का ये शायर है और इसने काफ़ी अच्छे अशार कहे हुए हैं। उनके अशार में से चाहिए कुछ अशार जो है साहिब किताब ने जिन्होंने क्या है ये यानी कि अबू तमाम ने अपने इस दीवान अल हमासा किताब के अंदर बाबुल अदब के अंदर यहाँ पर क्या है जिक्र किया है। और ये जो अशार हैं इनका जो मकसद कहना क्या चाहता है इसका जो मफहूम क्या है, पहले मैं इसका एक खुलासा बता दे रहा हूँ कि इसके अंदर जो कहना चाहता है वो ये है कि दुनिया में बहुत सारी लज्जत की चीज़ें हैं, चाहे वो क्या है भुना गोश्त हो, अच्छा खासा भुना हुआ गोश्त हो, या कि शराब की मस्ती हो, या कि ऊँटों की उस ज़माने के अतबार से कि ऊँटों की अच्छी चाल हो, खूबसूरत औरतें हों और बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐशो आराम की चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा माल है, ये सारी चीज़ें क्या है दुनिया की लज्जतों में से हैं और आदमी इससे क्या है फ़ायदा, एक आदमी इससे फ़ायदा क्या है हासिल करता है, लेकिन आखिर में जा कर के फिर वो मरता मर जाता है, यानी कि वो ज़माने के हवाले हो जाता है, यानी कि उसको मौत आती है। और वहाँ जब मौत आती है तो उसके बाद फिर वहाँ पर क्या है ये चाहे वो ये जो जिसने इस हालत में इन सारी नेमतों में ज़िंदगी गुजारी है और आखिर में मर गया है, या कि एक वो आदमी जो जो क्या है इन चीज़ों से महरूम होकर के ज़िंदगी गुजारा है वो भी क्या है मर गया है, तो मरने के बाद फिर दोनों की हालत क्या है यकसा हो जाती है, दोनों एक तरह से हो जाते हैं, बिल्कुल बराबर हो जाते हैं, वहाँ पर कोई फ़र्क नहीं होता है। तो आदमी को जो है इन सारी चीज़ों पर क्या है बहुत ज़्यादा फ़ख्र और घमंड नहीं करना चाहिए, यानी कोई गरीब और अमीर बहुत कोई बहुत कोई अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि मरने के बाद सब क्या है एक जैसे हो जाते हैं, क्योंकि तो इसलिए क्या है मतलब ये इसमें पता यही बात बयान करने की कोशिश कर रहा है कि ये दुनिया की जो लज्जतें हैं ये बस वक्ती हैं, मतलब वक्ती तौर के लिए हैं और इस पर आदमी को बहुत ज़्यादा इतराना नहीं चाहिए, अमीर और गरीब ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, क्योंकि मरने के बाद सब क्या है यकसा है, इसलिए इनकी कोई वैल्यू कोई कीमत नहीं है। ये बात इसमें क्या है इसने बताने की कोशिश की है। यहाँ पर जो है असल में कि बहुत लंबा ये जुमला है, इसमें जो है असल में पूरी की पूरी जो ये जो इसके जो अशार हैं ये वाले जो है जी यहाँ पर ये जो पूरी लाइनें हैं 1 2 3 4 5 लाइनें जो हैं ये इसको अगर हम नवी अतबार से देखें तो ये सब मुब्तदा खबर की तरकीब है। असल में क्या है यहाँ पर इन्ना हरफ ये इन्ना है हरफ मुशब्बा बिलफेल है और उसके बाद शिवान है जो कि इन्ना का इस्म है और उसके बाद फिर इसी जो इन्ना का जो इस्म है इसी पर बाद में बहुत सारे मातूफा कलिमात आ रहे हैं जो कि मातूफ हैं, एक के बाद दिगरे मातूफ हैं। और इन्ना की जो खबर है यहाँ पर है जो सबसे आखिरी लाइन है मिन लज़्ज़तिल ऐशी, ये जो मिन लज़्ज़तिल ऐशी जो है ये इन्ना की खबर है, तो गोया कि मिन लज़्ज़तिल ऐशे से जो पहले ही जो सारी चीज़ें हैं ये सब क्या है इन्ना की इसम है। और वो कैसे इन्ना की इसम है हम जब इसको पढ़ेंगे इसको समझेंगे इसके मफहूम को समझेंगे फिर बताऊंगा कि मतलब कैसे ये सारी चीज़ें फिर क्या है एक मुब्तदा बनती है कि इन्ना का इसम बनती हैं और ये क्या है मिन लज़्ज़तिल ऐशे इन्ना की खबर बनती है। तो आज हम इसको तकरीबन 2 लाइनों को पढ़ने की कोशिश करेंगे, कलमात हैं गरीब हैं कुछ है, उनको समझाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो शायर कह रहा है इन शिवान व नशवतन व खबल बाज़िल अमूनी युशी मुहलमर ओ फिल हवा मसाफतल गाइतिल बतीनी। यहाँ पर जो है इन्ना शिवा इसको हम कलिमात पर सबसे गरीब कलिमात पर आते हैं, सबसे पहला काम सबसे पहला स्टेप है हमने शायर के बारे में जाना, शायर कौन है हमने इसके बारे में ये इबारत हमने इसकी पढ़ी, इसके बाद हमने जो है ये भी जाना कि अशार जो कह रहा है वो किस मकसद से कह रहा है, किस पस मंज़र में कह रहा है, या इसका मकसद क्या है या इसका मफहूम क्या है। इसके बाद हम आते हैं इसके अशार को पढ़ते हैं तो इसके हम अल्फाज मानी पर एक नज़र डालते हैं। कह रहा है शायर इन शिवा शवा यशवी शयन, फेल एक आता है अरबी में शवा यशवी शयन, इसका माना होता है भूनना, शवा यशवी शयन भूनना,
तो शवा यशवी शय्यन व शिवान, ये भी मस्तर है। तो यानी कि भूनना, यानी कि गोश्त वगैरह को जैसे कि अंगारों पर या किसी भी चीज़ पर जो भूनना होता है, जो जो पकाना, एक तरह गोश्त को बहुत सारे तरीक़ों से पकाया जाता है। हांडी में पकाया जाता है, अंगारों पर पकाया जाता है, उसको स्टीम में, भाप में पकाया जाता है, बहुत सारे तरीक़ों से। तो यहाँ पर क्या है, और भुना हुआ गोश्त, भुना हुआ जो गोश्त काफ़ी अच्छा माना जाता है, बहुत ही टेस्टी माना जाता है अरबों के यहाँ खासतौर से। तो इन्ना शिवा, और शिवा अन जो यहाँ पर है मशवियन के माने में, यानी कि मसदर यहाँ पर क्या है मफ़ूल, मफ़ूल के माने में है। ये बातें याद रखिए कि मसदर कभी फ़ाल के माने में आता है, कभी मफ़ूल के माने में आता है। यहाँ पर शिवा अन जो है यहाँ पर मशवियन के माने में है। तो माना क्या हो जाएगा, इन्ना मशवियन, ऐ इन्ना लहमन मशवियन। तो गोया कि ये सिफत हो जाएगी और इसका मौसूफ यहाँ पर महज़ूफ़ होगा, इन्ना लहमन मशवियन, यकीनन यकीनन भुना हुआ गोश्त, यकीनन भुना हुआ गोश्त। व नशवतन, नश्वह इसके माने होता है मस्ती, मस्ती कह रहे हैं कि नशिया, नशिया अर्रज, नशिया यंशा वाले समय से आता है, जिसके माने होते हैं मस्त होना, जिस कहते हैं नशिया अर्रजुलो मिनल खमरी, आदमी शराब की वजह से या शराब से क्या है मस्त हो गया, शराब के पीने की वजह से क्या है मस्त हो गया। तो नशिया इसका मस्त एक है, जो मस्तर आएगा नशवा, यहाँ पर जो मस्तर आया है बड़े समय से आता है। तो नशवत उनके माने मस्ती, और ये जो मस्ती है कौन सी मस्ती, यानी कि शराब की मस्ती, यानी कि शराब पी करके बिल्कुल मस्ती है, अय्याशी की एक निशानी होती है। तो ये कि शराब सारी चीज़ें हैं, इससे पहले कबाब आ गया, यानी कि शराब व कबाब लज्जत वैसे है। तो क्या है नशवत उनके माने मस्ती। उसके बाद है वह खबब अलबाज़िल अमून, खब या खुबो, यानी खब माने होता है कि मतलब एक तरह की चाल है, एक ऊँटनी की एक तरह की चाल है, उसको कहते हैं खबब, जो कि मतलब क्या है, ना बहुत ही स्लो होती है चाल, ना बहुत ही तेज़ होती है, एक दरमियान होती है कि आहिस्ता और तेज़ रफ्तारी के दरमियान में जो चाल होती है, जो ऊँटनी चलती है, ये बहुत अच्छी मानी जाती है इस चाल को। तो इसको खबब कहते हैं, खब या खुबू, खबन मसर है ये। इसके बाद है अलबाज़िल, बाज़िल ये क्या है, बाज़िल इसमें फ़ाइल है, और ये जो कलमा जो है बाज़िल, ये मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। अलबाज़िल यानी कि ऊँट के लिए, तो ऊँट और नाका दोनों के लिए इस्तेमाल होता है बाज़िल, लेकिन जब ऊँट के लिए होगा तो इसकी जमा बुज़लुन आएगी, और कई जमा सकती हैं, और जब ये मुअन्नस के लिए होगा तो उसकी जमा आएगी अलबावाज़िल। तो बाज़िल यानी कि यहाँ पर ऊँटनी, नौजवान ऊँटनी है, ऊँटनी असल में कहता है बाज़िल, यानी कि कहते हैं उस ऊँट को या ऊँटनी को जिसके अभी दांत निकल आए हों। तो जो दांत जब निकलता है तो ये वो टाइम होता है जबकि ये बिल्कुल जवान मजबूत होते हैं, ऊँट या ऊँटनी बिल्कुल जवान हट्टे कट्टे मजबूत होते हैं, तब जब इनका दांत निकलता है बिल्कुल नौजवानी के उसमें होते हैं। तो मतलब कि यहाँ पर माना क्या करेंगे, नौजवान ऊँटनी, नौजवान ऊँटनी, अलबाज़िल जमा बवाज़िल, या मोनस अगर मानेंगे तो बाज़िल की जमा बवाज़िल, यानी कि नौजवान ऊँटनी। अलअमून, अमीना या अमनो, इसका माना होता है मामून होना, महफूज होना। और अमून जो है इसका अमीना से फ़ाइल जो आएगा बबिसमिया से, अमीना से जो फ़ाइल आएगा वो आएगा आमिनुन, आमिनुन फ़ाइलुन के वजन पर। और उसी आमिनुन को अगर हम उसमें मुबालगा का माना पैदा करना चाहें तो उसको हम औज़ान मुबालगा की तरफ कन्वर्ट कर देंगे। तो जब आमिनुन को जब अगर हम मुबालगा के औज़ान पर ले जाएंगे तो मुबालगा के बहुत सारे औज़ान हैं, उनमें से एक वज़न है फ़ाउलुन, जैसे कि गफ़ूरुन, व जैसे अल्लाह तआला की सिफ़त है गफ़ूरुन, बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला। तो फ़ऊल ये मिन औज़ान अलमुबालगा है, और ये जो औज़ान है गफ़ूर, इसमें क्या है यस्तवीफ़ी है अलमुज़क्कर वलमुअन्नस, इसमें क्या है मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों मौसम बराबर होते हैं। तो अलअमून जो है तो ये माना कहा जाएगा आमिनुन का ये मुबालगा है अमून फ़ऊल के वजन पर, जिसके माने बहुत ज़्यादा महफूज, और किस चीज़ से बहुत ज़्यादा महफूज, यानी कि ठोकरों से बहुत ज़्यादा महफूज, यानी कि जो ऊँटनी जब चलती है तो एक ऊँटनी होती है कि मतलब ठोकर लग के वो गिर पड़ती है कहीं पर, तो ये ऊँटनी ऐसी नहीं है कि जो ठोकर लग करके कहीं पर गिर पड़े, नहीं, ठोकरों से महफूज, तो ठोकरों से महफूज ऊँटनी। इसके बाद है युजशीमुहा अलमरऊ अजशम युजशीमु इशामन, बाबी फाल से है युजशीमु हा, हा की ज़मीर जा रही है अलबाज़िल की तरफ, क्यों, इसलिए यहाँ पर पता चला कि अलबाज़िल से मुराद क्या है, ऊँट नहीं है बल्कि ऊँटनी है। युजशीमुहा अलमरऊ अजशम युजशीमु इशामन, इसका माना होता है मुकल्लफ बनाना, किसी काम का मुकल्लफ बनाना। अफिल हवा, हविया यहवा, बाब समिया से आता है, जिसके माने होते हैं चाहना। तो हविया यहवा यानी कि चाहना, और यहाँ भी जो मस्दर है ये मफ़ऊल उनके माने में है। तो क्या बनेगा ये, फ़ी अल महवी, फिल महवी यानी कि चाहतों में, यानी कि चाह चाही हुई चीज़ में,
مسافت الغائط, اور الغائط کے معنی ہوتا ہے الارض المنخفض, یعنی کہ پست زمین, اس کو غائط کہتے ہیں. اکنایتن جو ہے مطلب ہے کہ آدمی پچھلے زمانے میں کیا ہوتا تھا, جب جاتا تھا مطلب کیا ہے, اس زمانے میں ٹوائلٹ وغیرہ نہیں ہوتے تھے, تو مطلب اپنے قضاء حاجت کے لیے دور جاتا تھا, تو بہت پست نیچی زمین میں چلا جاتا تھا, کوئی دکھائی نہ دے. تو کنایتن غائط سے مراد کیا ہے, وہ جو ہے ٹوائلٹ, یا اس کو جو ہے کہتے ہیں. لیکن غائط کا جو اصلی معنی ہے وہ معنی ہے پست زمین. البطین, بطین کی جمع ہے بیطان, بطین جمعہ بیطان, اور بطین کہتے ہیں کہ بڑے پیٹ والا, یعنی کہ کبیر البطن یا واسع البطن, جس کا پیٹ بڑا ہو چوڑا ہو اس کو بطین کہا جاتا ہے. سمین بطین, تو بطین جو ہے اصل میں کہتا ہے بطون الرجل, باب کرما سے آئے گا یہ بطون الرجل, یعنی کہ آدمی جب بڑا پیٹ والا ہو جائے تو اس کو بطین. اور بطین کہتے ہیں جو بہت زیادہ کھاتا ہوئی ہوگا نا, پیٹو آدمی, جس کو ہم پیٹو کہتے ہیں, پیٹو یعنی کہ بہت زیادہ جو کھاتا ہے اس کو بھی بطین کہتے ہیں, بطین کہتے ہیں, اس کا بھی اس پر اطلاق ہوتا ہے. بطین باب کرما سے ہے, بطین فعیل کلم پر ہے, اس کی جمع آئے گی بیطان. تو شاعر کہہ رہا ہے یہاں پر کیا کہہ رہا ہے, اس کے مفہوم پر آتے ہیں. انا شیوان, اور میں ترکیب میں کروں گا اس کو بتاؤں گا جب میں اس کے آخری لائن پر پہنچوں گا, کیونکہ ابھی میں نے پہلے بتا دیا کہ انا ہے یا کہ مشبہ بالفعل ہے, اس کے بعد یہ پورے کے پورے جو ہیں یہ چار لائنیں ہیں, یہ پوری کی پوری انا کی اس میں, اور یہ ایک دوسرے پر معطوف ہو کر کے, اور خبر کیا ہے من لذت العیش. شاعر کہہ رہا ہے ان شیوا ان, حقیقت میں, در حقیقت بھنا ہوا گوشت اور شراب کی مستی اور ٹھوکروں سے محفوظ نوجوان اونٹنی کی چال, جس اونٹنی کو وہ مکلف بناتا ہے اپنی پسندیدہ چیز میں, یا اپنی پسندیدہ چیز کو حاصل کرنے کے سلسلے میں کس چیز کا مکلف بناتا ہے, کشادہ زمین کی مسافت کو طے کرنے کا. تو یوں شبوں کا جو مفعول بھی یہاں پر ہے, کشادہ زمین, سرزمین کی مسافت طے کرنے کا, جس کا مکلف بناتا ہے, کیوں, اپنی اس کی جو چاہت ہے اس کو پورا کرنے میں. تو یہ بات ہو گئی, ابھی بات تھی, اس کا مفہوم واضح نہیں ہوگا جب تک کہ ہم اس آخری لائن پر نہیں پہنچیں گے. جب آخری لائن پر پہنچیں گے تب اس کا مفہوم بالکل واضح ہو جائے گا, کیونکہ ابھی میں نے جیسے بتایا کہ اس کی خبر جو ہے انا کی من لذت العیش یہ چیز ہے, تو بعد میں سب چیزیں ایک دوسرے سے مطلب ہوئے ہیں, تو جب پورا مکمل ہوگا تبھی اس کا مفہوم واضح ہوگا. اور انشاءاللہ آگے والی جو لائن ہے, ہم دو لائن ہم نے ابھی پڑھی, اس کی آگے لائن جو ہے لائن ہے اس کو پڑھیں گے اگلے درس میں.